जैकी किधर है भाई हमारा जैकी? दोस्तों मैं आज उसको खुला छोड़ दिया था बाहर ही, इधर के हमारे भाई के इधर होगा। हाँ वो बैठा हुआ हमारी जैकी बैठी हुई बोरी। जैकी कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई दोस्तों हमारी जो जैकी है, मैंने आपको कल बताया था कि मैं इनका नाम रखने वाला था, तो कल का जो एक तरीके से हादसा कहला लो या फिर पता नहीं क्या हुआ ट्रेजिडी, कि हमारा जो जैक था जो मर चुका है, तो नाम रखने थे पहले ही वो मर गया था, तो कल ही मैंने इनके नाम रखने थे जैक और जैकी, मैंने सोचा था रखूँगा, बहुत अच्छे नाम थे, पर शायद हमारे जैक को नसीब नहीं था वो नाम। खैर दोस्तों जैकी को मैं सुबह खुला यहाँ पे छोड़ दिया था, इसका पिंजरा यहाँ रखा मैंने, और मैंने बोला यार ये खुला रहे इनके साथ और अपनी थोड़ी सी आदतों को इनके साथ अपना ले, ताकि इनके साथ घूमे फिरे खाए पिए, और इनके साथ रहेगा ना तो ये लोग अब डरेंगे नहीं, और देखें ये उससे डर भी नहीं रहे बिल्कुल भी हमारा कोई भी परिंदा। बाकी दोस्तों आज जो है वो मैंने एक काम करने का सोचा था, जो मैं करूँगा वो ये है कि दोस्तों जैकी के लिए हम यहाँ पे जो है ना घर बनाने का सोच रहे थे, तो मैंने सोचा यार सोचने से बेहतर है कि बना डालो, क्योंकि ठंड भी आ रही है और जैकी के लिए घर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है अपनी ईंटों का घर बना रहे हैं जैकी के लिए, अब कोशिश तो कर रहे हैं कैसा बनता है क्या बनता है। ईंटें हमारे पास मौजूद हैं और हमज़ा जो है दोस्तों वो गया हुआ है अभी भाई के साथ मार्केट, वो किसी काम से गया था वैसे, तो हमज़ा को आने में थोड़ी लेट होगी, इसलिए मैंने अपने दोस्त को बुलाया है हारिस को, उसके साथ मैं जाके अभी सीमेंट वमेंट लाता हूँ और इसका आज हम काम स्टार्ट करते हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ आए, तो हम चलते हैं सामान लाते हैं और आज जैकी का घर तैयार करते हैं, चलें आ जाऊँ। चलो दोस्तों हारिस आ गया, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था और मैंने चीज़ें निकाल के रखी हुई थी, बेलचा लेके चलना है दोस्तों क्योंकि मिट्टी उठानी हमने और एक बोरा, चलते हैं सीधा सारा सामान लेकर आते हैं और इसका तैयार करते हैं आज पूरा घर। चलो भाई जल्दी चलो, लेट्स गो। ये 1 किलो है तो ये क्या है? ये 10 किलो। ओह माय गॉड यार, मैं इसको 1 किलो समझ रहा था। खैर चल बजरी तो उठाए। ये डालो डालो, मेहनत करो दोस्तों, मेहनत नहीं करते हमारे दोस्त जो हैं, कोई एक भी मेरे साथ मेहनत नहीं करवाता है। जल्दी जल्दी भरो, जल्दी घर ले जाना है, सारी पूरी भरनी है यहाँ तक आधी, ठीक है? चलो घर की तरफ लो भाई, बड़ी भारी थी यार, सारी मेहनत मैंने की है ना। आगे देखो आगे देखो, चलो चलो चलो। चलो भाई दोस्तों यार, काफ़ी मेहनत के बाद आखिर मिट्टी भर ली, कच्ची मिट्टी है ज़मीन की, बहुत फ़ायदेमंद रहती है इनके लिए, तो यार यही मैंने लेनी थी, वैसे भी रोड वगैरह का काम चल रहा है बन रहा है, तो इस वजह से हमने ये यहाँ से उठा ली। चलें चलें घर चलते हैं, आप उसको रखते हैं, हालत टाइट हो गई है। हम दो उतरवा यार, हाँ भाई भारी है, हरी गाड़ी खड़ी कर दे। हाँ उतारो या अकेले उतारो, अकेले उतारे ले अभी क्या कर दिया? अबे भाई इसने छुड़ा दिया, मजाक मस्ती में तुम्हारा, देख के शुक्र है गिरी नहीं है, मेरे पकड़ा हुआ ही नहीं, बच गई। अरे भाई हटो, चलो इसको ऊपर लेके तो चले यार, चलो हटो हटो हटो, उधर 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 पहुंच गए भाई, थके तो नहीं हो गए? बिल्कुल भी जरा भी नहीं थके हम, जरा भी। ये जगह बनेगी इधर, बस ये इधर इसलिए बना रहा हूँ ना किसी चीज़ का आना जाना ज़्यादा, इधर आराम से रहेंगे, ऊपर से प्लास्टिक ढक दी तो वहाँ बनाना कौन है? नहीं भाई वहाँ पे यार कोई और चीज़ अगर ला के रखनी हो ना फिर इनका तोड़ना पड़ेगा, वो कभी इन फ्यूचर कुछ भी लाना इधर सही नहीं कर रहे हो, तोड़ना पड़ जाए भाई, वहाँ धूप बहुत आती है, धूप आए कोई मसला नहीं उनके लिए। चलो देख लो जो समझ आ रहा, ये लोग यहाँ बोल रहे हैं भाई, मेरा तो कहना यहाँ पे था भाई, ये सीधी ले जाते यूँ, यही बोल रहे हो ना तुम? हाँ बस यही एक ही दीवार उठेगी, फिर पूरी दीवार उठा के पैक कर दी यार, एक काम है इससे हमारे को बचत पता ही क्या होगी, तुम सही बोल लो, साइडों की भी दीवार खड़ी नहीं करनी पड़ेगी, हाँ। दोनों खड़ी हुई है, पीछे की भी खड़ी हुई है, अभी यहाँ पे अपन को यूं बनानी पड़ती पूरी एंगल है, हाँ सही है सही है, ऊपर से फिर कोई तख्ता वख्ता लाके रख दी, पीछे भी एक दीवार खड़ी कर दी जिसके ऊपर तख्ता टिक गया, बस ये सही रहेगा, एक दीवार खड़ी कर देते तो ऊपर से क्या ढकेगा, जैसे दीवार खड़ी हुई है हाँ
इतनी दीवार खड़ी करके बीच में दे दो सुराग उसके अंदर। वही तो कर रहे हैं हमने, क्या करने का बोला। तो इस तरफ ही करना है, दीवार खड़ी करते हैं, इधर ही बनाते हैं। मेरा माइंड में तो कुछ और था, तुम लोग अलग बना रहे हो कुछ दिमाग। चलो देख लेते हैं। दोस्तों भाई काफ़ी देर हो गई है यार, और इसे बनना बहुत बनाना मुश्किल है। ये हम बनाने में लगे ही पड़े हैं आरिश में, और कब से यही करें यार हैं। और तब से हमदा ने बोला भाई इनको दाना पानी भी करना है, फिर रात हो जाएगी। तो हमदा ने इन सारों को खोल के पूरा खाना वाना डाला है, और ये हमने फैलाया हुआ पूरे का पूरा काम। तो भाई बोलना आसान लगता, बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों इनका घर बनाना यार। और वो बोलते हैं ना जिसका काम उसको साझे, तो मजदूर का काम होता है उसी का होता है ये सही तरीके का। हमदा सबको डाल लिया, सारों को भाई ये खा पी लें, सारे के सारे चले आए अंदर। बस थोड़ा सा और काम रहता है दोस्तों, फिर हम इसको फिनिश करते हैं यार। बाकी हमारा रैबिट का हाउस तैयार हो जाएगा। बाकी हमारे से एक प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों, हमने इसके नीचे सुराख छोड़े थे यहाँ पे एक, वहाँ पे बताया था आपको मैंने, पर हमने ऊपर कराई क्योंकि यार नीचे अगर मिट्टी भर देंगे यार तो ये ऊपर जो है ना वो ज़्यादा मिट्टी में फिर खेल नहीं पाएगा, बहुत नीचे मिट्टी रखनी पड़ती है हमें। तो कम से कम दोस्तों इतनी मिट्टी तो होनी चाहिए ना, ताकि वो मिट्टी तो हम बाद में भी ला के डाल देंगे ज़्यादा। तो हमारा खरगोश जो है वो खुशी से तो रहे तकरीबन, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। बाकी अंदर दोस्तों इसके इतनी जगह है, यहाँ पे हम सारी बच्ची डाल के अपने जैकी को और जो भी आने वाले खरगोश लाएंगे, एक से दो जोड़े आराम से रह लेंगे यहाँ पे। दो जोड़े रह सकते हैं तकरीबन, है ना, बच्चे अच्छे आराम से दे सकते हैं। तो अभी इतना काम हुआ भाई, इसको दोस्तों पक्का कर लें हम, एक मिनट में इसको पक्का करके फिर मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ। A few moments later. दोस्तों फाइनली आखिर में हमने कर दिया, आ गया भाई बाहर आ गया। इसके लिए क्यों मनाया। चले भाई दोस्तों, तो इस तरीके का कुछ बन गया, ये देखने माशाल्लाह से एक दीवार खींची हमने। ज्यादा तो मेहनत तो बहुत लगी क्योंकि भाई हमारे काम नहीं है ये, लेकिन फिलहाल दोस्तों मुझे एक चीज समझ आ गई, मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, पेंटर भी हूँ और मिस्त्री भी हूँ। भाई सारे काम आने चाहिए इंसान को, तो मुझे तो आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर दोस्तों ये हमने तैयार कर दिया है, जरूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है रैबिट का जो हमारा हाउस है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जबरदस्त लग रहा है, तो इसको देख देख के मुझे हो रही है आग को। तो अभी आपने देखा हमने अपने जैकी को भी छोड़ा था, जैकी घूम रहा था अंदर और यहाँ से कूद के बाहर चला गया। इसको छोड़ते हैं दोस्तों एकदम, ताकि थोड़ा सूख सुखा जाए। कल इसको हम कोशिश करेंगे कि कल मैं इसको पूरा साफ सुथरा करके इस जगह को, और इधर मिट्टी उट्टी डाल के जैकी को कल छोड़ेंगे, आज नहीं क्योंकि टाइम बहुत हो गया यार अब। और अभी काफ़ी वहाँ पे ना खराब हो रहा है, देखें गंदगी, कल इसका साफ सुथरा करके फिर डालूंगा। ये एक चीज़ आपने सही नहीं करी, ये यूं जा रहा है, ये डिजाइन दिया है या है ये डिजाइन है खरगोश के लिए। यूं घूमे। और अगर ये जो दो सुराग हमने दिए यार, एक वहाँ देना था, ये मैं बोल रहा हूँ कल आ जाओ वहाँ पे दे देते, उधर उधर कोने पे। जब मैं दे रहा था कोनों पे, नहीं तो कोनों पे ही तो बोला था मैंने, ये इस बंदे के थोड़ा मसला था। हाँ इस बंदे के ऊपर चढ़ नहीं सकते पहले दोस्तों, नीचे हमने सुराग दे दिए थे, पर भाई सुराग को तो छोड़ो, वो तो दोस्तों पूरा कूद कर ही बाहर आ गया। तो दोस्तों लाजमी कमेंट में बताएगा कि आप लोगों को जो जैकी का घर है वो कैसा लगा। और हारिस का बहुत बहुत शुक्रिया कि इसने आगे आज मदद करा दी मेरी और हमारा ये काम निमट गया। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल का शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।